सो वेलकम है आपका अगेन मेरे इस चैनल में। और आज का हमारा जो वीडियो है वो इस टेस्ट सीरीज़ की थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है विच हैज़ बीन आस्ड इन दी UGC नेट इंग्लिश लिटरेचर्स एग्जाम। सो यू कैन टेक इट एज अ टेस्ट सीरीज। आपको आंसर्स जब आपको क्वेश्चन दिखाया जाए तो आप उसको पॉज कर सकते हैं वीडियो को एंड यू कैन मार्क डाउन द आंसर एंड देन आफ्टर द एंड ऑफ द वीडियो यू कैन कमेंट टू मी योर स्कोर। सो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ V.M. थैकरेज नॉवल्स क्लोजिंग सेंटेंस इज दिस। कौन सी इनकी जो नॉवल है, ये एक बहुत फेमस राइटर हैं विलियम मेकपीस थैकरे। सो इनकी कौन सी नॉवल है जिसमें उन्होंने इस सेंटेंस से अपना पूरी नॉवल है उसका एंड किया है, तो वो हमें बताना है। तो सेंटेंस क्या है वो देख लेते हैं पहले। तो विच ऑफ अस इज हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, विच ऑफ अस हैज डिज़ायर। सो डिज़ायर किन के पास है और हैविंग इट एंड सेटिस्फाई। अगर किसी के पास डिज़ायर है भी और वो अगर इससे सेटिस्फाई है भी, तो ये क्वेश्चन है। कुछ तीन क्वेश्चन पूछे हैं जिससे इस नॉवल का एंड किया है उन्होंने। तो ये कौन से फेमस उनकी नॉवल है वो हमें बतानी है। तो एक चीज़ ध्यान रख लीजिएगा, इस जो नॉवल है वो बहुत फेमस नॉवल रही थी, क्योंकि ये जो बेसिकली क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, ये एंड में नॉवल के, ये बहुत ही ज़्यादा लाइफ को रियलिटी प्रेजेंट करने वाले क्वेश्चन है। तो बेसिक सी ये नॉवल थी जिसका नाम है वैनिटी फेयर। वैनिटी फेयर जो ये नॉवल थी जिसमें उन्होंने अपने जो पूरे वर्ड्स हैं वो इस लाइन से एंड करे हैं। तो आंसर है हमारा बी, वैनिटी फेयर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाई डस लॉविच इन बेन जॉनसन्स प्ले द एल्केमिस्ट लीव हिज हाउस। बेन जॉनसन का बहुत ही फेमस प्ले है जिसमें जो एल्केमिस्ट हैं वो अपना घर छोड़ के जा रहे हैं। अब वो घर छोड़ के क्यों जा रहे हैं तो वो हमें इसमें बताना है। और इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उनके जो सर्वेंट हैं, जो कि ऑनर हैं, वो घर छोड़कर जा रहे हैं, उनका सर्वेंट है फेस अलोंग विथ सबचल एंड फेक एल्केमिस्ट। तो ये एच था, तो ये फेक एल्केमिस्ट के साथ, यानी कि उसका जो सर्वेंट है जिसका घर है वो उसके घर को जो है यूज़ करेगा आफ्टर गोइंग हिज ऑनर्स, क्योंकि ऑनर छोड़ के चला गया है। तो वो कौन सा प्ले है बेसिकली, किस प्ले में और किस वजह से छोड़ के भागा है। और एल्केमिस्ट में जो उस टाइम के चीज़ें हो रही थी लंदन में एंड द इटली और यूरोप में, वो था प्लेग। प्लेग से जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा पीड़ित हो रहे थे, यानी कि लोग घर छोड़ छोड़ के जा रहे थे, क्योंकि प्लेग जो है वो बिल्कुल ऐसे फैल रहा था, बहुत पानी की तरह फैल रहा था जैसे पानी फैलता है। तो उस जगह में प्लेग बहुत ही तेज फैल रहा था। इस तेज़ी के फैलते हुए प्लेग से वो जो मालिक है उस घर का, वो डर गया और वो अपना घर जो है अपने नौकर के ऊपर छोड़ के चला गया। तो हमारा आंसर है सी, जो हमारा प्लेग है आंसर। ओके, तो ये है हमारा आंसर। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, By the end of the 1950 novelist, इसमें 1950s के novelist की बात की जा रही है, like Satin, Barstow, Sid Chaplin, Alan Silitoy and David Story were routinely lumped together as representatives of the kitchen sink realism. तो ये जो थे सारे के सारे राइटर्स के नाम जो मैंने बोले हैं, ये क्या थे, ये रिप्रेजेंटेटिव थे किसके, किचन सिंक ड्रामा के। किचन सिंक जो रियलिज्म होता है उसके क्या थे, रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है हु इन 1954 रोट द आर्टिकल द किचन सिंक। ओके, तो किचन सिंक नाम का जो आर्टिकल है वो किसने लिखा था। तो किचन सिंक बहुत ही फेमस मॉडर्निस्ट ड्रामा में आते हैं, बहुत ही ये मूवमेंट है एक रियलिज्म बेस्ड का। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है एंड इसमें सिंपल सा आंसर भी है, क्योंकि देखिए दोस्तों ये सारे नाम जो बोले गए रिप्रेजेंटेटिव्स के हैं, जिन्होंने लिखा है आर्टिकल उनके नहीं है। लिखा आर्टिकल है डेविड सेल्विस्टर ने। डेविड सेल्विस्टर इज़ अ राइट आंसर। तो सर डेविड सेल्विस्टर ने ये ऐसे लिखा था,
1954 में, एंड इसके बेस पे एक ड्रामा भी है, काफ़ी फेमस है, लुक बैक इन एंगर, जो जॉन ऑसबॉर्न के द्वारा लिखा गया है, जिसमें हमें बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही रियलिस्टिक इसका एग्जाम्पल मिलता है किचन सिंक ड्रामा का। तो आंसर है हमारा सी, डेविड सेल्विस्टर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिगोरिकल कैरेक्टर इन द प्ले एवरी मैन। अब एवरी मैन एक प्ले है जिसमें एलिगोरिकल कैरेक्टर की बात की गई है। सो एलिगोरिकल कैरेक्टर जो है वो कौन, एवरी मैन के प्ले में जो है वो कौन सा है, तो वो कौन सा है प्ले, वो हम ये देखते हैं। तो आंसर इसका जो मेनली है, क्योंकि देखो एवरी मैन एक बहुत ही फेमस प्ले भी है और इसमें कई सारे कैरेक्टर्स हैं और हर कैरेक्टर्स में काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। तो इसमें इसमें जो है इसका आंसर वो आता है क्रिश्चियन। क्रिश्चियन कैरेक्टर जो था वो काफ़ी एलिगोरिकल कैरेक्टर था इन द एवरी मैन वर्क। द नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटर्स इज गीता इन टू इंग्लिश। किसने गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था सबसे पहले? तो यहाँ पे सबसे पहले जिसने किया है उनके नाम आपको मार्क करने हैं। तो एक तो बात बताऊँ दोस्तों, सीधा सा आंसर है किसने किया था, वो है चार्ल्स विल्किंस ने। तो यहाँ पे चार्ल्स विल्किंस ने किया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन बायोग्राफिया लिटरिया सेंट ये कॉलरिज है जो डिफाइन करें द इमेजिनेशन एज ए फैकल्टी बाय विच। वैसे बहुत फेमस राइटर हैं, रोमांटिक एज में काफ़ी अहम भूमिका भी निभाते हैं ये। तो इनके जो ये बायोग्राफिया लिटरेरिया वर्क है इनका, इसमें जो ये डिफाइन कर रहे हैं इमेजिनेशन को, तो ये किसकी फैकल्टी है, यानी कि किसके द्वारा बनाई गई फैकल्टी है इमेजिनेशन? तो देखिए इसमें है, द सोल परसीव्स द फिनोमिनल डाइवर्सिटी ऑफ द यूनिवर्स। सो सबसे पहले तो इसमें ये बताया गया है कि सोल एक परसीव करी फिनोमिनल। अब ये जो है इससे बिल्कुल रिलेट नहीं है बायोग्राफिया जिसमें इनके बारे में बताया गया है। हालांकि देखिए दोस्तों, बायोग्राफिया में सोल परसीव के बारे में बताया गया है, सोल हमारी कैसे स्पिरिचुअल होती है वो सब बताया गया है, बट यहाँ पे डाइवर्सिटी बताया गया है, तो इसलिए ये हमारा आंसर नहीं है। द नेक्स्ट है हमारा, द सोल परसीव्स द स्पिरिचुअल यूनिटी, यस द यूनिवर्स। तो एक जो सोल है वो एक स्पिरिचुअल यूनिटी है, जो हमारी सोल है, जो कि पूरे यूनिवर्स में स्पिरिचुअल यूनिटी प्ले करती है रोल। ओके, तो ये हमारा आंसर है बी, जो कि बायोग्राफिया लिटरेरिया में सैमुअल टेलर कॉलरिज ने अपना प्रेजेंट किया है। द नेक्स्ट है, व्हाई डू दी ह्यूनहैम्स हैव सो फ्यू वर्ड्स इन देयर लैंग्वेजेस। सो ऑब्वियसली इसमें तो बहुत ही फेमस है, जैसे कि आपको पता चल गया होगा इसका नाम से ही, ये हमारा जो पार्ट है वो है गुलीवर्स ट्रैवल का। गुलीवर ट्रैवल का पार्ट है ये, गुलीवर ट्रैवल को जो डिवाइड किया गया है, नॉवल है हमारी, बहुत फेमस नॉवल, एक ट्रैवल लॉज है। सो इसमें ये जो ह्यूनहैम्स हैं, ये जो हैं बहुत कम वर्ड बोलते हैं, बहुत कम लैंग्वेज बोलते हैं, क्यों? तो रीज़न पूछा गया है, तो इसका सीधा सा रीज़न है, देयर वॉन्ट्स एंड देयर पैशंस आर फ्यूअर दैन ह्यूमंस। वॉन्ट्स, जो ह्यूमन जितनी ह्यूमन की कैपेसिटी है, ह्यूमन की नीड है, उससे कम ही इनकी कैपेसिटी है, इनका पैशन कम है, एंड उनको चाहिए ही कम। तो सारी चीज़ें जब इसमें ये बोला गया है वो कम बोलते क्यों हैं, तो रीज़न यही है कम बोलने का, कि उनके पास पैशन कम है एंड इसलिए उनके पास वर्ड्स कम हैं। तो ये गुलीवर्स ट्रैवल बहुत ही फेमस है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो प्लीज़ गो अहेड एंड जस्ट रीड आउट द टेक्स्ट, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही अच्छा है। द नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द टाइटल ऑफ ए डी होप्स फर्स्ट पब्लिश बुक ऑफ पोएम्स। तो इनकी पहली जो बुक है उसका टाइटल आपको बताना है क्या था। तो होप्स की जो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, होप्स जो हैं उन्होंने ग्रेस लीवन प्राइज़ जीता हुआ है। ग्रेस लीवन प्राइज़ बहुत इम्पोर्टेंट प्राइज़ होता है इन लिटरेचर, तो उनको वो हासिल हो रखा है। तो इसमें इनकी जो वर्क है वो है दी वंडरिंग आइसलैंड। दी वंडरिंग आइसलैंड इज़ दी वेरी एंड फर्स्ट वर्क बाय दी ए डी होप्स।
सो होप का काफ़ी फेमस है, जिसको 1955 में लिखा गया था एंड काफ़ी अच्छे, इसके बाद इनके कई सारी पोएम्स आई हैं, काफ़ी पोएम्स इन्होंने इसके बाद लिखी है और पोइट्री में अपना काफ़ी अच्छा कल्चर बनाया है। और तो और इन्होंने ऑस्ट्रेलियन कल्चर के बारे में भी काफ़ी लिखा, ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर में भी हम इनको काफ़ी सराहना देते हैं। तो यहाँ पे आंसर है हमारा बी। तो आई होप यू आर मार्किंग योर आंसर। द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंड इनकरेक्ट अजम्पशन इन द लैंग्वेज टीचिंग। तो इनमें से कौन सा एक इनकरेक्ट अजम्पशन है अगर हम किसी को लैंग्वेज टीच करें या कोई अगर हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। तो देख लेते हैं इसके ऑप्शंस। लर्नर्स फर्स्ट लैंग्वेज प्ले एंड इम्पॉर्टेंट रोल इन लर्निंग। नहीं, बिल्कुल भी ये रॉन्ग है। देन एंड लर्नर्स फर्स्ट लैंग्वेज प्ले एंड इम्पॉर्टेंट रोल इन लर्निंग। जो लर्नर का फर्स्ट लैंग्वेज प्ले है, आई थिंक दिस इज द रिपीटिंग, सो ये दोनों ही आंसर गलत है हमारे। देन एंड लैंग्वेज टीचिंग शुड हैव अ फोकस ऑन कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़। जो हमारी लैंग्वेज है उसे फोकस देना चाहिए कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज में, तो नहीं है, ठीक है, इसलिए इनको जो है कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज में नहीं माना गया है। देन आता है डी, लैंग्वेज टीचिंग शुड गिव इम्पॉर्टेंट टू राइटिंग रैदर देन स्पीच। अब यहाँ पे ये पॉइंट आप थोड़ा सा समझ सकते हैं, जो लैंग्वेज है उसकी लैंग्वेज टीचिंग जो होता है उसको बहुत ही इम्पॉर्टेंस देना चाहिए जब हम कुछ लैंग्वेज लिख रहे हैं। तो बेसिकली इसका सीधा सीधा आंसर हमारा यहाँ पे आ जाता है लैंग्वेज टीचिंग, क्योंकि इसमें जो है राइटिंग से ज़्यादा या स्पीच से ज़्यादा या किसी भी चीज़ से ज़्यादा लैंग्वेज को सराहना दी जा रही है। दी भस्मा सुराज मिथ इज यूज इन आर के नारायण्स। तो यहाँ पे भस्मा सुर की एक मिथ है जो कि आर के नारायण के एक वर्क में पूछी गई है, बताई गई है। क्वेश्चन क्या है, द भस्मासुराज की मिथ। अब आपने ये नॉर्मली सुना तो होगा इसके बारे में, भस्मासुर की काफ़ी मिथ फेमस है जो कि यूज़ की गई है आर के नारायण के एक, वो आर के नारायण ने यूज़ की गई है अपने एक राइटिंग में, तो वो कौन सी राइटिंग है। तो इसका आंसर है सीधा सा जो है हमारा द मैन एंटर ऑफ मालगुड़ी। द मैन एंटर ऑफ मालगुड़ी में इसका यूज़ किया गया है काफ़ी अच्छे लेवल पे एंड इसमें इसके एग्जांपल्स काफ़ी सेट किए गए हैं किसके, भस्मासुराज के मिथ।